ओके टेल मी व्हाट इज करंट सर. व्हेन माय क्रश टच मी आई फील लाइक आई गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक दैट इज कॉल्ड करंट. ओ यू फील लाइक दैट देन गेट आउट. आई सेड गेट आउट. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है चेतन सिद्लिंग. इस वीडियो में हम देखेंगे टिप्स टू क्रैक इंटरव्यू. गाइस अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो तो उससे पहले आप लोगों को बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. क्या क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा. गाइस ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. अब हम देखेंगे कंपनी वाले इंटरव्यू क्यों रखते हैं. वो डायरेक्ट हायर कर सकते हैं ना दोस्तों परसेंटेज के ऊपर. नहीं दोस्तों स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं कंफर्म करने के लिए कंपनी वाले इंटरव्यू रखते हैं. इंटरव्यू में बहुत सारे राउंड्स रखते हैं कंपनी वाले, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, एचआर राउंड, एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट. ऐसे बहुत सारे राउंड्स रखते हैं. अगर स्टूडेंट्स इस सभी राउंड्स को क्लियर करेगा तभी उसको जॉब मिल पाएगा. गाइस ये रहा इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करते हैं. अब आपका भाई आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करेगा. अगर ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी इंटरव्यू को क्रैक आराम से कर सकते हो. अब हम देखते हैं फर्स्ट टिप, यूनिक रेज्यूम. रेज्यूम विल डिफाइन यू. रेज्यूम आपको डिफाइन करता है. एक अट्रैक्टिव एंड यूनिक रेज्यूम को बिल्ड कीजिए. ऑनलाइन में बहुत सारे रेज्यूम एडिटर टूल्स आप लोगों को मिल जाते हैं. ऑनलाइन की मदद से आप यूनिक रेज्यूम को बिल्ड कीजिए. फ्रेंड सर्कल से रेज्यूम को कॉपी मत कीजिए. आपका ही एक यूनिक रेज्यूम को बिल्ड कीजिए. अगर आप कोर कंपनीज में जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग रेज्यूम को बिल्ड कीजिए और उस रेज्यूम में कोर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ऐड कीजिए और हॉबीज भी कोर रिलेटेड ही ऐड कीजिए. और अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग रेज्यूम बिल्ड कीजिए और उस रेज्यूम में प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग के रिलेटेड ऐड कीजिए और हॉबीज भी मार्केटिंग के रिलेटेड ही ऐड कीजिए. ये रहा फर्स्ट टिप यूनिक रेज्यूम. अब हम देखेंगे सेकेंड टिप प्रिपरेशन. इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन कीजिए. अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो या फिर सीएस के स्टूडेंट हो प्रिपरेशन हर लोगों के लिए कंपलसरी है. विदाउट प्रिपरेशन आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो. गाइस अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो जो सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए बिफोर इंटरव्यू. और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो पहले से ही आप लोग प्लान करके जाइए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सीमोस वीएलएसआई. पहले से ही आप लोग प्लान करके जाइए और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स आप लोग पढ़ के जाइए क्योंकि उसी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में. गाइस प्रिपरेशन के बिना आप लोग क्रैक नहीं कर सकते इंटरव्यू. गाइस आप लोग इंटरव्यू के पहले 2 मंथ्स प्रिपरेशन कीजिए या फिर 1 मंथ प्रिपरेशन कीजिए तब आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो. ये रहा सेकेंड टिप प्रिपरेशन इज कंपल्सरी. हेलो एवरीवन आई एम चेतन सिद्लिंग. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसमिशन लाइंस. बिफोर दैट आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल गाइस. अब हम देखते हैं थर्ड टिप कम्युनिकेशन. अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपने सभी राउंड्स को क्लियर कर लिया है लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो. तो गाइस इम्प्रूव यूअर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए. आप लोग यूट्यूब में इंग्लिश चैनल के वीडियोस वॉच करके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर आर्टिकल्स पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो. गाइस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए नहीं तो आप गेट आउट. ये रहा थर्ड टिप कम्युनिकेशन स्किल. अब हम देखते हैं फोर्थ टिप एटीट्यूड. गुड एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड. ऐसे शर्ट को ऊपर करके मत आइए. प्रॉपरली ऐसे चल के आकर मे आई कम इन सर ऐसे बोलिए. गाइस अगर आपके अंदर गुड एटीट्यूड है तो आप लोग एचआर को इम्प्रेस कर सकते हो. एटीट्यूड डिफाइन्स योर टैलेंट. गुड एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. अगर आपके अंदर प्रॉपर एटीट्यूड है तो आप लोग अपने आइडियाज को अपने टैलेंट्स को अपने स्किल्स को आसानी से शेयर कर सकते हो. तो गाइस ये रहा फोर्थ टिप डेवलप गुड एटीट्यूड. अब हम देखेंगे फिफ्थ टिप कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस में भी 3 टाइप्स है दोस्तों. एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक है कॉन्फिडेंस और एक है ओवर कॉन्फिडेंस. चले गाइस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे. टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट सर.
आई डिड प्रोजेक्ट ऑन सेल्फ बैलेंसिंग। ये रहा दोस्तों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हम देखेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। सर आई डिड प्रोजेक्ट ऑन सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग इज ए टेक्निक टू इक्वलाइज द वोल्टेज एंड स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ ईच सेल। ये रहा दोस्तों कॉन्फिडेंस। अब हम देखेंगे ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। सर आई डिड प्रोजेक्ट ऑन सेल्फ बैलेंसिंग एंड आई कैन डू मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सेल्फ बैलेंसिंग। आई कैन ऐड मशीन लर्निंग इन सेल्फ बैलेंसिंग। ये रहा दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है और आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है। आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस रहना है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है और आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है तो गाइस आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो इंटरव्यू से। ये रहा दोस्तों फिफ्थ टिप, कॉन्फिडेंस। प्रॉपर कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे सिक्स्थ टिप, स्किल्स। इफ यू रियली वांट दैट जॉब देन डेवलप स्किल्स। गाइस अगर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जाना चाहते हो तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर के रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कीजिए और बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड कीजिए ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स के रिलेटेड। गाइस अगर आपके पास स्किल रहेगा तो आपको जॉब मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास स्कोर है, 10th में 90%, पीयूसी में 90%, इंजीनियरिंग में 90%, लेकिन लैक ऑफ स्किल के वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। आजकल लोगों के पास स्किल नहीं है, उनके पास सिर्फ स्कोर है। तो स्किल्स को डेवलप कीजिए तभी आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। ये रहा सिक्स्थ टिप, डेवलप स्किल्स। अब हम देखेंगे सेवेंथ टिप, प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कंपनी टेस्ट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट लॉजिकली थिंक कर सकते हैं या नहीं और स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं। टेस्ट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट राउंड में ही रहता है। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। एलिजिबल नेक्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड एचआर राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहते हो। तो गाइस एप्टीट्यूड के लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कीजिए। YouTube वीडियोस देखकर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ये रहा सेवेंथ टिप, प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड। ये रहे टिप्स टू क्रैक इंटरव्यू। गाइस अभी तक मैंने भी कोई भी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है लेकिन मैं इसी टिप्स को फॉलो करता हूँ, यही टिप्स को फॉलो करता हूँ। आप भी यही टिप्स को फॉलो कीजिए, आप भी जरूर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।